मध्य प्रदेश की नदी शिप्रा के किनारे बसा है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और प्राचीन शहर उज्जैन। आजकल ये शहर बहुत चर्चा में है क्योंकि यहाँ बना है एक खास कॉरिडोर। जल्दी से कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ और आइए दर्शन कीजिए एक खास ज्योतिर्लिंग कॉरिडोर का। अच्छा, ये तो आप जानते ही होंगे कि उज्जैन में है मशहूर ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। सरकार ने इस ज्योतिर्लिंग को अब और खूबसूरत बना दिया है महाकालेश्वर कॉरिडोर बनाकर। आइए देखिए इस कॉरिडोर की झलक और जानिए इसके बारे में कुछ अनूठी बातें हमारे साथ। सिंहस्थ पर्व के दौरान यहाँ पर काफी पैमाने में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को समुद्र मंथन के दर्शन भी कराए जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि अमृत की बूंदें उज्जैन में भी गिरी थी। अब शिव भक्तों के लिए उज्जैन में जो महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है, इसमें भगवान शिव के 109 रूपों को स्थापित किया गया है। यहाँ पर दीवारों पर शिव श्लोकों की कारीगरी की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस कॉरिडोर को 750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। महाकालेश्वर कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव की 200 फुट की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कैसी लगी आपको हमारी ये महाकाल कॉरिडोर की वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें धर्मा लाइव।